तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में लाइव वीडियो वॉलपेपर लगा सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे विंडोज़ का वॉलपेपर लगा हुआ है मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन पे, जो कि बहुत ही बोरिंग है। तो यहाँ पे मैं कोई अट्रैक्टिव सा लाइव वॉलपेपर लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो आप लाइव वॉलपेपर लगाओगे, वो आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में अवेलेबल किसी डाउनलोडेड वीडियो फाइल का भी लगा सकते हो। तो वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए, ताकि आपसे कोई स्टेप मिस ना हो और बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो वॉलपेपर सेट करने में। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जो भी आपका फेवरेट ब्राउज़र है। तो यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ब्राउज़र ओपन करके यहाँ पे आपको सर्च में जाके सर्च करना है रॉक्स डेनिस्टर। तो आपको एग्जैक्टली यही सर्च करना है और यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक वेबसाइट दिखेगा, रॉक्स डेनिस्टर डॉट जी आई टी हब डॉट ओ आई लाइवली। तो यहाँ पे आपको लाइवली वॉलपेपर बाय रॉक डेनिस्टर एक वेबसाइट दिखेगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इंस्टॉलर मिल जाएगा, तो यहाँ से आप exe सेटअप फाइल डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे भी ये एप्लीकेशन मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से इसे डाउनलोड करना हुआ, तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करोगे। तो चूंकि ये एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे भी है, तो इससे आप पता लगा सकते हो कि ये एप्लीकेशन बहुत ही जेन्युइन है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे कोई भी फर्जी ऐप आपका नहीं मिलता। तो यहाँ पे मैं इंस्टॉलर पे क्लिक करके सेटअप इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा सेटअप डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया और मेरा 195 MB का ये सेटअप फाइल डाउनलोड हो रहा है। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड होने तक इंतज़ार करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरा डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पे वो मेरा सेटअप फाइल जो मैंने अभी डाउनलोड किया, तो यहाँ पे सिंपली आपको इस सेटअप फाइल को रन कर लेना है, इस पर राइट क्लिक करके। उसके बाद जो भी आपसे परमिशन मांगा जाए, आपको यस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक कर लेना है, और एग्रीमेंट पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने तक वेट करना है। तो यहाँ पे लॉन्च करने के लिए बोला जा रहा है, मैं इसे अनटिक कर देता हूँ और यहाँ पे मुझे फिनिश पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे लाइवली वॉलपेपर का आइकन मिल जाता है। ये मेरा सेटअप फाइल था और ये मेरा आइकन है, जिसमें मुझे इस टाइप का लोगो देखने को मिलता है, एरो वाला, वो मेरा आइकन होता है। तो मुझे इसे सिंपली ओपन कर लेना है, इस पर डबल क्लिक करके। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इसे मेक श्योर कर लेना है कि ये आपका ऑन है, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको नॉर्मल पे ही रहने देना है, जो बाय डिफ़ॉल्ट है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाता है कि कैसे आपको इसे ओपन करना है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मुझे टास्क बार में जो ये शो आइकन का ऑप्शन रहता है, उस पर क्लिक करना है। मीन्स यहाँ पे मुझे इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो लाइव वॉलपेपर का मुझे ऑप्शन मिल जाता है, तो मुझे इस पर क्लिक करना है। और अगर आप इस पर राइट क्लिक करते हो, तो यहाँ पे भी आपको ओपन लाइवली का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे आप क्लोज करने का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको पॉज करने का ऑप्शन मिल जाता है वॉलपेपर को, और यहाँ पे आपको सपोर्ट और बग का कोई इशू आता है, इस सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आता है, तो यहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको एग्जिट करने का ऑप्शन आ जाता है। तो चूंकि यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन ओपन हो चुका है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको अलग अलग 3D वीडियो वॉलपेपर मिल जाता है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो देख सकते हो बैकग्राउंड में मेरा यही वॉलपेपर लग गया। मैं इसे मिनिमाइज़ करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कितना सुंदर लाइव वॉलपेपर है। समुंदर है आपका, सूरज है, आसमान है। यहाँ से आप अपने वॉलपेपर को कस्टमाइज भी कर सकते हो। आप शो हिडन आइकन पे क्लिक करो, यहाँ पे आपको लाइव वॉलपेपर पे राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको कस्टम वॉलपेपर का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है।
तो यहाँ पे आप अपने वॉलपेपर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे आपको सेचुएशन घटाने या बढ़ाने का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पे ब्राइटनेस भी कंट्रोल कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट, गामा, और यहाँ पे आप देख सकते हो अगर मैं स्पीड बढ़ाता हूँ तो देख सकते हो पानी की लहरों का स्पीड बढ़ जाता है। अगर मैं कम कर देता हूँ तो ये बहुत कम हो जाता है। तो अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट वाला चाहिए होगा तो आप रिस्टोर डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन होता है उस पे आ जाएगा, जो भी आपका डिफ़ॉल्ट सेटिंग था। अब मैं फिर से शो हिडन आइकन पे क्लिक करके इस पे राइट क्लिक करके ओपन लाइवली ओपन कर लेता हूँ। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको वैरायटी में बहुत सारे वॉलपेपर मिल जाते हैं, आप कोई भी वॉलपेपर ट्राई करके देख सकते हो। और तो यहाँ पे आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में अवेलेबल किसी भी वीडियो को सेलेक्ट करके उसका वॉलपेपर लगा सकते हो। उसके लिए यहाँ पे आपको जो प्लस का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में से किसी भी वीडियो फाइल को सेलेक्ट करना है यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके। उसके बाद जो भी वीडियो आपको अपने वॉलपेपर में लगाना होगा यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। मान लो मैं इस वीडियो को लगाना चाहता हूँ तो मुझे इसे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे मुझे ओपन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो मेरा वॉलपेपर होगा उसका प्रीव्यू दिखेगा, जो मेरा वीडियो मैंने अभी सेलेक्ट किया। यहाँ पे आपको सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे ये मेरा वॉलपेपर लाइब्रेरी में ऐड हो चुका है और यहाँ मेरा वॉलपेपर ये सेट हो चुका है जो मैंने वीडियो अभी सेलेक्ट किया था अपने लैपटॉप में से। और तो और यहाँ पे अगर आप फिर से इस प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको एक लिंक पेस्ट करने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे आप कोई भी YouTube लिंक को पेस्ट करके उस YouTube वीडियो का वॉलपेपर लगा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आपको कुछ एडवांस सेटिंग मिल जाते हैं। तो अगर आप सेटिंग पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको एक सिस्टम का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सिस्टम पे क्लिक करना है। तो अभी देख सकते हो दोस्तों फिलहाल मेरे टास्क बार में यहाँ बॉटम में मेरा वॉलपेपर नहीं लगा हुआ है लाइव वाला, तो मैं इसमें भी अपना वीडियो वॉलपेपर लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टास्क बार थीम यहाँ पे मेरा ऑफ है तो मुझे यहाँ पे इसे ऑन कर देना है। तो ऑन करने के लिए भी यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप यहाँ ब्लर वाला चूज़ करते हो तो टास्क बार थोड़ा ब्लर रहेगा लेकिन लाइव वॉलपेपर रहेगा वहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे वॉलपेपर पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो टास्क बार में भी आपका लाइव वॉलपेपर आ जाता है। और अगर आपको लॉक स्क्रीन पे लगाना हो या फिर डेस्कटॉप पिक्चर में लगाना हो तो यहाँ पे इन सबको भी आप ऑन कर सकते हो। तो दोस्तों इसमें और भी बहुत सारे एडवांस फीचर मिलते हैं, आप एक एक करके ट्राई करके देख सकते हो, अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में लाइव वीडियो वॉलपेपर लगा सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इसी टाइप के छोटे छोटे यूज़फुल वीडियो आगे भी देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस चैनल से जुड़े रहें, अभी के लिए बाय बाय।